बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियल का रेट है जी, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से, और आज का जो एक्सचेंज रेट रहा वो शेयर कर दूंगा मैं। यार हमारा रो एंट्री यही होता है बैंकों के हिसाब से एक्सचेंज रेट, हालांकि क्या बैंकों के हिसाब से यार, पाकिस्तान में स्टेट बैंक तो मेरा ख्याल एक हफ्ते में एक दफ़ा डॉलर का रेट बता रहा है, हालांकि पहले रोज़ बताता था। अभी चार चार पाँच पाँच दिन डॉलर का रेट ही नहीं, स्टेट बैंक की तरफ से क्लियर नहीं किया जा रहा है क्या रेट चल रहा है। और महंगाई पाकिस्तान में भाई छलांगे लगा रही है, यकीन माने। पेट्रोल फिर महंगा हुआ, अभी आपको पता है, और गैस के बिल बहुत महंगे हुए पाकिस्तान में। ये आपको बात इसलिए बता रहा हूँ यार, हमारी फैमिलीज पाकिस्तान में हैं, हमारे भी खर्चे हम यहाँ से कमाते हैं, पाकिस्तान ही भेजते हैं। और आज मैं एक चीज़ और देख रहा था इंटरेस्टिंग, वो ये है कि IMF की तरफ से, IMF समझते ना, जो पाकिस्तान को कर्जा दे रहा है, जो पाकिस्तान को हैंडल कर रहा है, IMF की तरफ से कहा जा रहा है जी कि वो ये जो पेंशन देते हैं ना आप, वो पेंशन की जो पूरी स्टेटमेंट है, जो भी उसकी यानी कि तरतीब है, वो हम आपको बताएंगे आपने कैसे पे करनी है। यार को खुदा का खौफ करो यार, मैं ये बात बोलूँगा, पेंशन आप किन को देते हो? हमारे बुज़ुर्ग हैं वो जिनको पेंशन मिलती है। अभी बुज़ुर्गों के ऊपर आप अगर, तो पेंशन बढ़ती है तो फिर तो ठीक है, तो बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप पेंशन को मज़ीद कम करेंगे, उसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगाएंगे, टैक्स लग गई इतनी पेंशन मज़ीद कम होगी, तो भाई ये तो फिर ज़्यादती है ना। एक बंदा मिसाल के तौर पर, चंद सेकंड ले रहा हूँ, आप चंद मिनट ले रहा हूँ, इसके लिए माजरत खवाऊँ मैं, एक बंदा सारी उम्र अपनी फ़ौज में गुजार देता है बॉर्डर के ऊपर। मैं एक बात कर रहा हूँ, बेशुमार ऐसे इदारे हैं, तो वो जब बेचारा रिटायरमेंट लेकर घर आता है, बूढ़ा होता है, और आप उसकी पेंशन कम किए जा रहे हैं। बहरहाल जी, रिया रेट के अगर मतलब बात करें, ओपन मार्केट भाई पाकिस्तान में 74.20 रुपये से लेकर, शायद आपको रेट मैं साथ में दिखा रहा हूँ इस तरफ या इस तरफ, 74.20 रुपये से लेकर 75 रुपये अराउंड में। एंड अगर बात कर लें भाई एक्सचेंज रेट की, तो वो भी आपको दिखा रहा हूँ मैं, 74.48 रुपये इंडिया, 22.10 बांग्लादेश टका, 29.28 रुपये। मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बात करें तो इनमें टैली मनी यानी कि ANB बैंक, इनका आज का रेट 73.80 रुपये 10, 17 और 23 सेल्फीज के साथ। इसके आगे अगर बात करें मनीग्राम की, तो मनीग्राम वाले भाई आज का रेट 73.74 रुपये दे रखे हैं, 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर हम वेस्टर्न यूनियन की बात करें, तो भाई इनका आज का रेट 73.82 रुपये, बहुत अच्छा रेट है, 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। हाँ, बहुत अच्छा रेट वो भी था जब 81 या 82 पर रियाल पहुँचा था। हाँ, अभी उसमें से तकरीबन 6-7 रुपये कम है, तो अंदाज़ा है जी मेरा कि फिर जाएगा अप होगा रियाल, अभी कितने दिनों में, ये आने वाले दिनों में पता चलता है। तहवीर राजी की बात करें, तो इनका आज का रेट भाई 73.63 रुपये, 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। STC पे 73.62 रुपये रेट, 10, 17, 23 फीस। फौरी बैंक, बैंक जजीरा 73.84 रुपये रेट, 10, 17 और 23 रियाल फीस। इंजाज बैंक की बात करें भाई, तो इनका आज का रेट 73.74 रुपये, 10, 17 और 23 रियाल फीस। क्विक पे की बात करें तो 73.90 रुपये, सबसे अच्छा रेट क्विक पे का है भाई, और 10, 17 और 23 रियाल फीस। अगर आप फ्रेंडी के थ्रू भेजना चाह रखे हैं तो 73.76 रुपये फ्रेंडी वाले भी रेट दे रहे हैं, 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ।